भाई अभी आप प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे होगा आगे। भाई घर पे जा रहा था खाना खाने के लिए ना, खाना खाने के लिए लंच टाइम हो गया, लंच टाइम आज तो मेरी वजह से 3 बजे होगा भाई का। खा ले भाई खा ले, मैंने क्या बेइज्जती करनी है। सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो हाँ जी, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया कि अब हमने दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। डेली सुबह 8 बजे अपना ब्लॉग आ जाया करेगा भाई, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो काफी भाइयों के मैसेज भी आ चुके थे इससे पहले कि भाई आपने ब्लॉग नहीं बनाया। सो थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया था, और मैसेज बहुत आए, कमेंट्स बहुत आए, जैसे कि आपने वीडियोस पे देख ही रखे होंगे ना, और पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी आए, नंबर ले लिया पता नहीं कहाँ से, और कि ब्लॉग भाई आपने बंद क्यों कर दिया। और काफ़ी जब बाहर अंदर जाते थे मिलते थे यार दोस्त सारे अपने भाई, और बोलते थे भाई आपने ब्लॉग क्यों बंद कर रखे हैं। सो हेल्थ इशू के कारण सो अभी आप दोबारा सेट हो चुके हैं, रिकवरी पे है बॉडी अपनी, और बिल्कुल लगभग सेट ही है ना। तो 1 तारीख को है अपने कॉलेज में फेयरवेल पहली थी, और पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकंड, अब हमारा 3rd ईयर के साथ है, BA सेकंड ईयर में हो चुका हूँ मैं। तो उसकी अपने फेयरवेल है, उसमें अपन ड्रेस पहनने हैं जो कि मेरे पास नहीं है ना बढ़िया सी कोई, अभी मेरे को नहीं सिलवानी है। तो सोच रहा हूँ कि क्या सिलवाऊँ और क्या ना, फिर काफ़ी टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया है ना ड्रेसिंग का भी क्या पहनेंगे अपन। तो सबसे पहले मेरे को जाना है यादव फैशन हाउस, आपको शायद पहले भी मैं एक वीडियो में लेके गया हूँ, अगर नहीं लेके गया तो आप इस वीडियो में जाके उनका एड्रेस भी देख लेना। और 1 दिन रह चुका है, आप 1 दिन में सिलवा लेंगे थोड़ी इतनी बहुत, तो अपने मतलब भाई जैसा है अपने, तो अपना काम थोड़ा सा पहले कर देगा है ना। तो जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है, देखने को मिलते रहेंगे आपको डेली सुबह 8 बजे ब्लॉग, जैसे कि आपको पता है। और नहा तो मैं लिया ना, 10:30 हो चुके हैं, आज 9 बजे उठा था, गालियाँ बहुत पड़ी हैं मेरे को ना, सुबह मूड खराब हो गया यार, क्योंकि रात को लेट सोते हैं ना, फिर सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता। सो अभी चलते हैं, आप बाद में करेंगे बातें सारी, कहाँ जाना था, याद द फैशन हाउस में। सो भाई अभी चलते हैं, आप घर की थोड़ी सी सफाई सफुई करने वाली है, तो स्प्लेंडर ले चलते हैं ना। सो भाई अभी कैब भी हमने ले लिया और स्पेक्स लगा लिया, ये शर्ट काफ़ी भी कोई पड़ी है यार, स्पेक्स का बड़ा पंगा रहता है। सो करण जा रहा है साथ में, सो हाय कर दे भाई। एक मिनट का कुछ सामान लेके जाना है साथ में, तो साथ ही लेके चलते हैं। सो भाई अभी मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा यादव फैशन हाउस का कहाँ पर है, सो आप देखते रहना। अरे बंद ही हो गया यार, इतनी गर्मी हुई, ठंडा हुआ पड़ा मोटरसाइकिल। सो भाई अभी आप अंकित की शॉप से वापस आ चुके हैं, क्योंकि हमने जाना था कालांवाली, और अंकित वहाँ पे मतलब निकल गया था उससे पहले थोड़ा टाइम, और कालांवाली जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जाना है क्या बोलते हैं उसको कोर्ट में है ना, क्योंकि हमने गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ना, ये आगे वाले तो है, ये गवर्नमेंट जो सरकारी नंबर प्लेट होती है ना वो लगवानी है। तो सबसे पहले वहाँ पे जाके ये नंबर प्लेट लगवानी है, फिर थोड़ा बहुत कोई और भी काम है वो भी काम करेंगे। सो देखते रहो, वीडियो में फुल फन होने वाला है, और शाम के टाइम जब वापस आ गए ना तो अपन लेने चलेंगे क्लोथ्स, और देखते हैं क्या लेंगे है ना। सो सभी ने जरूर देखना है, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर दो, सब चलते हैं। गर्मी बहुत है यार, क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। सो अभी करण भी आ रहा है। सो अभी अपन निकल चुके हैं घर से कालांवाली के लिए, क्योंकि हेयर कट करवाना है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और एक अपने नंबर प्लेट है जो वो भी चेंज करवानी है, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2 बजने वाले हैं, बीच में मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था। तो अभी सीधा अपना पहले नंबर प्लेट चेंज करवाएंगे,
फिर उसके बाद अपने को हेयर कट करवाने रोब सोरिया दे पिंड जो जबाई रखदा तौर नाल काल जे मचाई रखदा करी बैरियां दे शहर च तबाई रखदा। तो हां जी फाइनली अभी हम एसडीएम ऑफिस में पहुंच चुके हैं और सामने मैं आपको दिखाता हूं, देखो भाई ये रहा ना, तो सामने अपने उस भाई से हमने करवाई थी नंबर प्लेट अप्लाई। सो वो आपको प्रोसीजर मैं बता देता हूँ कि अब कैसे कैसे होगा ना, कि नंबर प्लेट लगवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। सो अभी अपन चलते हैं बाहर और देखते हैं, पहले भाई को मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई नंबर प्लेट अपने कहाँ पे आई पड़ी है ना। और भाई साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो ये और भाई मोंगा जी अपने, अगर आपके पास नहीं, अगर आपने कोई भी लाइसेंस बनवाना हो, नंबर प्लेट अप्लाई करनी हो, तो बिल्कुल एसडीएम ऑफिस के सामने शॉप है ना, क्या नाम था पूरा शॉप का? मोंगा फोटो स्टेट। मोंगा फोटो स्टेट, सेवा का मौका जरूर दें। नीरज मोंगा, मोंगा जी को सेवा का मौका जरूर दें एक बार। थैंक यू जी, थैंक यू अरुण, थैंक यू। सो भाई अभी आप प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे होगा आगे। भाई घर पे जा रहा था खाना खाने के लिए ना, खाना खाने के लिए लंच टाइम हो गया, लंच टाइम आज तो मेरी वजह से 3 बजे होगा भाई का। सो भी यहाँ पे एक बार कैमरा बंद कर देते हैं। सो भाई अपनी नंबर प्लेट बिल्कुल ऊपर ऊपर ही भाई ने निकाल के रख रखी थी पहले, ये है ना, स्टिकर भी मिलेंगे साथ में, वो जरूरी कर दी है भाई का फायदा बहुत है यार मोंगे जी के पास आने का, जल्दी से जल्दी काम हो जाता है, ये तो है। नंबर प्लेट लगवाने के लिए झाड़ियों में जाना पड़ रहा है हमको, देख लो ये तहसील है, तहसील काला वाली का, इससे बुरा हाल क्या होगा। सही बात है, क्या होगा इससे बुरा हाल, अभी समझ ही नहीं आ रही भी रास्ता कौन सा है, कहाँ पे लगाएंगे भाई, यहीं पे रोक दो, यहीं रुक जाओ, बुला के लाते उस लगाने वाले को, यहाँ पे सीधी करके लगाने दो गाड़ी। क्या बात है यार, अभी उबड़ खाबड़ है सारी। तो भाई नंबर प्लेट अब यहाँ पे 5-10 मिनट में चेंज हो जाएंगी। सो भाई नंबर प्लेट के साथ साथ ना एक स्टिकर हो रहा है जी, ये भी लगवाना जरूरी है, अगर ये ना हो तो फिर भी चलान हो सकता है बंदे का। ये एक और है, अच्छा जी इसके पीछे लगेगा ऐसे, रात को जमते ही। अच्छा क्या, रात को जब लाइट पड़ती है ना तो फिर ये क्या हो जाता है, ब्लिंक करता है, ब्लिंक करने लग जाता है। सो भाई अभी नंबर प्लेट अपनी चेंज, अपनी नहीं गाड़ी की ना, सर नंबर प्लेट गाड़ी की चेंज हो चुकी है, तो अभी आप जा रहे हैं हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि शक्ल पे 12 बजे पड़े हैं यार, है ना, तो थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं इसको, लुक सी सही हो जाएगी ना। बाकी मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर दी, जैसे कि आपको पता ही है ना, सारा हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है। बाकी पर जाके सैम के सलून में मिलते हैं, एक्मे सलून पर, खाली भाई खाली, मैंने क्या बेइज्जती करनी है। सो सैम के सलून पर आप आ चुके हैं भाई, तो कोल्ड ड्रिंक पी के दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट किया है, शक्ल जैसी है भाई वैसी दिखेगी। तो भाई सैम की शक्ल आपने देख ही ली ना, बोला शक्ल ऐसे आ रही है, जैसे है वो तो वैसे दिखेगी। सो भाई अभी हेयर कट करवा लें अपना, भाई ऐसे बता दे सैम ये यार साइड को उठवा दे पहले, जैसे कि नहीं और या वैसे थोड़ा सा लुक चेंज ही रखें, थोड़ी सी चेंज कर देंगे थोड़ी सी अभी। कैसे भाई कैसे जी जी ना बोल रहे। सो भाई अभी अपना हेयर स्टाइल देखते हैं कैसे करना सेट, क्योंकि पहले मैंने साइड की जो ग्रोथ है वो काफी कर ली थी, अब देखते हैं ये ग्रोथ रिमूव कर देंगे। शॉर्ट करनी है भाई, कितनी शॉर्ट करोगे? चलो देखते हैं कैसे लुक ठीक आएगी, क्योंकि हेयर स्टाइल नहीं बन रहा ना यार। भाई अपना हेयर कट कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल आप आ गए हैं गौरव भाई की दुकान पर स्पेक्स लेने के लिए, करण ने स्पेक्स लेने थे और मैंने भी लेंस लेने हैं ना, तो मतलब पार्टी में थोड़े से लेंस लगा के चले जाएंगे, वैसे मैंने पहले कभी लगाए तो नहीं है, सो देखते हैं अभी करण को कौन से पसंद आ रहे हैं, लेंस तो आप ले ही लेंगे जाते टाइम, देख ले भाई देख ले, फोन नहीं छोड़ता सारा दिन यार जी। पर क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, दिखा दो भाई इसको कौन सी फ्रेम देख रहा है, सो फ्रेम देखते हैं यार। सो भाई फाइनली अब घर पे पहुंच चुके हैं काफी टाइम के बाद, तो मतलब सारा हमने सामान समून ले लिया था भाई वहां पे जो हमने लेना था, तो एक यार अभी सिर्फ क्लोथ्स रह गए, स्पेक्स भी ले लिए, हेयर कट भी करवा लिया, नंबर प्लेट भी, मतलब काफी काम कर दिया ना।
सो टाइम लगभग 6:12 हो चुके हैं और अभी फिलहाल यादव फैशन हाउस पे दोबारा से जाएंगे। आपने जाते वक्त रास्ता तो देख ही लिया था ना, तो अभी आपको मैं सीधा डायरेक्ट मिलूंगा वहीं पे। सो अब काफ़ी टाइम हो गया पर रडार से भी नहीं मिलना, रडार को बुलाएं देखें आती है तो। रडार रडार रडारी उरिया उरिया ही उरिया उरिया उरे, वो इस साइड आ गई, वो बाहर भाग गई भाई, उसको पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं। सो फिलहाल अभी आपको सीधा मिलता हूँ मैं यादव फैशन हाउस पे। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके सो भाई फाइनली यादव फैशन हाउस, तो ये सबसे मोस्ट डिमांडेबल है भाई। सो आपको रास्ता पता चल चुका है कि जब आप मेन हाईवे पे जाते हैं सिरसा की तरफ है ना, NH9 से सिरसा की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल रोड की थोड़ी सी साइड में आ गई यादव फैशन हाउस। तो अभी आप चलते हैं अंदर, अपना भाई अंकित बैठा ही है, तो सर्विस अंकित ने अपने लिए थोड़ी सी जल्दी कर दी है। और भाई अंकित दोबारा से हेलो हाय, ठीक हो? उधर अपने भाई सुरेंद्र और रवि यादव बैठे हैं, ठीक हो भाई जी? और भाई बच्चे? तो भाई अभी मेरे को जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि वो ड्रेस सिलवानी है, तो उसके लिए पहले तो आपका मेरे को दिखा दो कौन सा फैब्रिक पड़ा है आपके पास। ठीक है, वैसे क्वालिटी का तो पता ही है सभी को और ऐसे वीडियो में पता चल जाएगा कि गुड फैब्रिक जो भी इनके पास है, हाई रेटेड सिस्टम है, बढ़िया क्वालिटी का है। फॉर्मल ही चाहिए या फिर कोट राइज वगैरह में क्या चीज़ है वो आप मेरे को बता दो जैसे कि अच्छा लगेगा जो। सो भाई अभी अंकित भाई अपने को क्वालिटी वगैरह बता रहा है तो इतने में चेक कर लूँ सारी, तो फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा डिसाइड करके कि मैंने कौन सी ली है। सो हाँ जी भाई, अभी सारे हमने क्लोथ जो निकाल लिए हैं, तो मेरे को पैंट तो सिलानी थी वाइट ही, क्योंकि वाइट का थोड़ा सा आजकल ज़्यादा क्रेज चल रहा है और एक मेरे पास वाइट थी भी वो पहले ख़राब हो गई, तो एक फिर मैंने सोचा चलो वाइट ही सिलवा लेते हैं। साथ में जो शर्ट डिसाइड की थी, एक तो ये वाली निकाली है येलो और एक रेड, अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना है अपने आप को। नहीं मेरे को यही रेड अच्छी लगी अंकित, ये तो परफेक्ट लगेगी इसको, क्योंकि अगर थोड़ा सा हाँ हाईलाइट दिखने के लिए सभी के मतलब अलग अलग फॉर्मल पहने होंगे। गला खराब हो गया यार, सभी के अलग अलग फॉर्मल पहने होंगे तो इसलिए फिर आप यही देख लेते हैं हाईलाइट के लिए, बढ़िया लगेंगे थोड़े से डिफरेंट। आपने बात की कि एक दिन में सिल के दोगे जी? बिल्कुल प्रॉमिस। फिर ठीक है सुरेंद्र जी, क्या ठीक है? तो नहीं आप ही बता दो, कोई बात नहीं, प्राइस ही बताना है, क्या रेट पड़ेगी अपने अगर कस्टमर को भी लेनी पड़ जाती है कई बार। ये पैंट का कपड़ा है 700 रुपए मीटर। कौन सी ब्रांड का बता रहे हो आप? ये बिरला। और ये शर्ट का कपड़ा 680 रुपए मीटर मुफ्त लाल का। ठीक है, और अपने टोटल कितने हो गए जी? जुड़ने पड़ेंगे। कितने मीटर लग जाएगा? ये शर्ट के ऊपर 1.5 मीटर लगेगा और पैंट के ऊपर 125। ठीक है, मेरे लिए तो फ्री है। चलो फिर तो ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छा, मतलब इनके पास फैब्रिक वगैरह है, ब्रांड पड़ा है इनके पास, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का, और भी बढ़िया थे। तो ये अभी मेरा मेजरमेंट कर दो आप, मेजरमेंट ले तो इतना आप दिखा दो। ये मैंने दिखा दिया इनको सभी को, एक ना थोड़ा सा मैं रेडी। ये क्या था भाई? ये क्या था? सो हाँ जी, जो अपनी अभी पैंट शर्ट थी बिल्कुल ओके हो चुकी है और कल 3 बजे या 3:30 बजे अपनी रेडी हो जाएगी, फिर आप दोबारा से ट्रायल मारने आएंगे। और कल वाली वीडियो सभी ने जरूर देखनी और नीचे कमेंट करके जरूर बताने हैं कि, वैसे तो आज ही बता दो कि आपको कैसा लगा दिखने में ना जो कपड़ा हमने लिया है, बाकी कल जब ट्रायल लेंगे तो देखते हैं क्या चार चांद लगाएंगे उस पर, कैसे होते क्या चांद क्या चार चांद लगाएंगे ना उस पर, तो कल देखते हैं वो, तो कल ट्रायल लेने आएंगे। सो कल की वीडियो सभी ने जरूर देखनी है और सुबह डेली 8 बजे अब आपको पहले की तरह डेली ब्लॉग दिखने को मिलेंगे। काफी टाइम से आए नहीं है, काफी टाइम से अब दिक्कत आ गई थी, हेल्थ इशू आ गया था, मैंने बता दिया था। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। ओके बाय बाय, लव यू लॉट।